हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन कुछ जानकारी मिलती है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 28 अक्टूबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिंक में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27 अक्टूबर को यह दिवस मनाया गया है। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस यूनेस्को और कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ऑडियो विजुअल और कविज एसोसिएशन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो ऑडियो विजुअल संरक्षण पेशेवरों और संस्थानों को सम्मानित करने के लिए जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत की रक्षा करते हैं। रिकॉर्ड किए गए ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को चुना गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कौन बनाने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेल। गेल भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाने जा रहा है। राज्य की स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र का निर्माण करेंगी क्योंकि यह कार्बन मुक्त ईंधन के साथ अपने प्राकृतिक गैस व्यवसाय को पूरक बनाने की कोशिश कर रही है। और गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने कहा है कि कंपनी 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने का विचार कर रही है जो रोज़ाना 4.5 टन हरित हाइड्रोजन पैदा करने में सक्षम है। और फर्म ने इलेक्ट्रोलाइजर खरीदने के लिए पहले ही एक वैश्विक निविदा जारी कर दी है और 12 से 14 महीनों में डिलीवरी मिलने की उम्मीद कर रही है। और यह राज्य की बिजली उत्पादक NTPC द्वारा घोषित आकार से दुगना होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयसर मोटर्स के MD के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ लाल। सिद्धार्थ लाल को आयसर मोटर्स के MD के रूप में फिर से 5 साल के लिए इन्हें नियुक्त कर दिया है और अभी तक यही इसके MD पद पर बने थे। आयसर मोटर्स ने 1 मई 2021 को सिद्धार्थ लाल को कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में 5 साल के लिए फिर से नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। यानी कि अभी तक भी यही थे और अभी फिर से इन्हें नियुक्त कर दिया है। बोर्ड ने कंपनी अधिनियम की धारा 198 के अधिकतम 1.5% लाभ की सीमा के साथ प्रबंध निदेशक के लिए एक संशोधित पारिश्रमिक संरचना को भी मंजूरी दी है। पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव को कुल 226 मिलियन मतों से भी लगभग 93.8% प्रस्ताव के पक्ष में जाने के साथ मंजूरी दे दी गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक एक पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिदानंद राजघट्टा। इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। और कमला हैरिस कौन है? यह भारतीय अमेरिकी मूल की अमेरिका में उपराष्ट्रपति है। यह है कमला हैरिस और यह है राजनंद घट्टा जिन्होंने यह पुस्तक लिखी। प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक चिदानंद राजघट्टा ने संयुक्त राज्य अमेरिका USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी कमला हैरिस फेनोमल वुमन नामक एक नई पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक में मिश्रित जाति भारत और जमैका की एक महिला कमला हैरिस के जीवन की घटनाओं को दिखाया गया है जो पहली भारतीय मूल की संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2021 MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
फेबियो क्वार्टरो ने मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 जीत। मॉन्स्टर एनर्जी यामा मोटो जीपी के फेबियो क्वार्टरो ने यह चैंपियनशिप 2021 जीत ली और फ्रांसेस्को बग्नाया डुकाटी लेनोवो टीम के दूसरे स्थान पर रहे और जोआन मीर टीम सुजुकी एक्सटार्क ने तीसरा स्थान हासिल किया है। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स रेस के दिन फेबियो क्वार्टरो 22 साल 187 दिन की उम्र में प्रीमियर क्लास वर्ल्ड टाइटल हासिल करने वाले छठे सबसे कम उम्र के राइडर बने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है तित्सी डंगारेंगबा, इनको यह पुरस्कार मिला है। यही है तित्सी डंगारेंगबा जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जिम्बाब्वे के लेखिका और एक फिल्म निर्माता तित्सी डंगारेंगबा को उनके देश और दुनिया भर में हिंसा के कार्य पर एक नए ज्ञानोदय के लिए बोर्सन वेरिन डेज ड्यूसेन बुक हैंडल्स जर्मन पुस्तक प्रशासक और पुस्तक विक्रेता संघ द्वारा दिया गया और यह सम्मान बोर्सन नेवरिन डेज ड्यून बुक हैंडल्स जर्मन प्रकाशक द्वारा बुक सेलर्स एसोसिएशन जर्मनी द्वारा दिया जाता है और इसमें पुरस्कार राशि 25,000 यूरो। कितना है? 25,000 यूरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रत्येक घर के लिए ODF और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बना है, यह कौन सा राज्य बन गया है? तो यह राज्य बन गया है ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य। गोवा राज्य ने हर घर में खुले में शौच मुक्त यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि ODF और बिजली हासिल की है और मूल ODF प्रोटोकॉल वर्ष 2016 में जारी किया गया था और इसके अनुसार किसी शहर या वार्ड को ODF शहर या वार्ड के रूप में अनुसूचित किया जाता है और यदि दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है। गोवा की राजधानी है पणजी और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं एस श्रीधरन पिल्लई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम कहां पर इसका उद्घाटन किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया। कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोर्ड रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है और ROIP का उद्घाटन SPM के अध्यक्ष विनीत कुमार ने 25 अक्टूबर 2021 को किया था और SMP कोलकाता पिछले 152 वर्षों से लगातार भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाए हुए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहला त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 आयोजित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, UK यूनाइटेड किंगडम और भारत ने यह अभ्यास आयोजित किया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने सशस्त्र बल 24 से 27 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में कोंकण तट पर पहले त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 के समुद्री चरण का कार्य कर रहे हैं और 7 दिवसीय अभ्यास का बंदरगाह चरण 21 से 23 अक्टूबर 2021 तक मुंबई में आयोजित किया गया था और अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6वीं वार्षिक बैठक में किसने वर्चुअली भाग लिया भारत की ओर से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण। प्रेजेंट टाइम पर जो हमारी वित्त मंत्री है उन्होंने भाग लिया है इसमें। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिल्ली से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया और AIIB की वार्षिक बैठक का विषय आज का निवेश और कल का परिवर्तन रखा गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है।
यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।